18 मार्च 2022, आज की साकार मुरली। मीठे बच्चे, माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। फागी अर्थात बादल में कभी भी मूंझना नहीं। प्रश्न, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है? उत्तर, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया है, इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए, उन्हें पत्र लिखकर सुरजीत करो। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने, गिरते हुए को बचाना चाहिए। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाएं। ओम शांति। यह गीत बहुत कॉमन गाते हैं, हे भगवान अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरे बहुत खाते हैं परंतु बाप को नहीं पाते। आत्मा कहती है, हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी, आपका रास्ता बहुत ही कठिन है। यह तो जरूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं, यह नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है, तब हम नयनहीन से सज्जे बनेंगे। भक्ति मार्ग का कायदा है भक्ति करना, धक्का खाना, आधा कल्प धक्के खाए हैं, तुमने अब धक्के खाने बंद कर दिए। तुम भक्ति नहीं करते न शास्त्र पढ़ते, जब भगवान मिल गया फिर यह सब क्यों करें? जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला है, तो फिर हम धक्के क्यों खाएं? भगवान आएगा तो जरूर सबको साथ ले जाएगा। सभी धक्के भी खाते रहते हैं और एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। पोप साधु संत जो आते हैं उनके लिए समझते हैं, तो यह गुरु लोग हमको रास्ता बताएंगे भगवान से मिलने का, परंतु वो लोग गुरु लोग खुद भी रास्ता जानते ही नहीं। बाबा कहते तो फिर बताएंगे कैसे? आशीर्वाद देते हैं तो भी सिर्फ इतना कह देते कि भगवान को याद करो, राम राम कहो। जैसे रास्ते में कोई से पूछो फलाना स्थान कहाँ है, तो कहेंगे इस रास्ते से चले जाओ तो पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे, साथ ले चलते हैं, तुमको रास्ता चाहिए वह बता देते हैं, परंतु साथ में कोई गाइड तो चाहिए ना। बिगर गाइड तो मूंझ पड़ेंगे। जैसे तुम भी एक दिन फागी के कारण जंगल में मूंझ पड़े थे, यह माया की फागी भी बड़ी जबरदस्त है। स्टीमर वालों को फागी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता, बड़ी खबरदारी रखते हैं, तो यह फिर है माया की फागी अर्थात माया का बादल। कोई को रास्ते का पता नहीं पड़ता, जब तप तीर्थ आदि करते रहते हैं जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते आए, अनेक प्रकार की मत भी मिलती है, जैसा संग वैसा रंग। हर जन्म में गुरु भी करना पड़े, अब तुम बच्चों को सतगुरु मिला है। खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को वापस घर ले जाता हूँ, फिर विष्णुपुरी में भेज देंगे। अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर यह ज्ञान ले।
और दूसरों को कहे कि मन मना भव, शिव बाबा को याद करो, तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे, तुमने यह ज्ञान कहां से लिया? वो झट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया है, उनका दुकान खत्म हो जाएगा, मान्यता भी खत्म हो जाएगी। कहेंगे, तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया, तो हम क्यों ना बीके के पास जाएं? खुद गुरु लोग भी कहते हैं, सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे, फिर हम कहां से खाएंगे? सारा धंधा खत्म हो जाएगा, सारा मान भी खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 7 रोज भट्टी में रख फिर सब कुछ कराना पड़ेगा, रोटी पकाओ, यह करो, जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं, तो देह अभिमान टूट जाए, तो फिर ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व के मालिक बने का वर्षा ले रहे हैं। बाबा है विश्व का रचयिता, हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमको नर से नारायण बनना है। तुमको भी दाखिल होना है तो 8 रोज आकर पढ़ना होगा, बड़ी भारी मेहनत है, इतना अभिमान कोई तोड़ न सके। ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते। तो बाप समझाते हैं कि तुम भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते हो, समझो कोई बच्चे हैं, तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ छोड़ दिया है, अब यह तो तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो पढ़ा नहीं सकते, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव का हाथ छोड़ा। विचार किया जाता है, फलाने ने छोड़ा क्यों? नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बनने हो? तुम रूठे किससे? बहनों से? बहनों से रूठे होंगे? तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे, फिर क्या हुआ? क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए? बाबा भी पूछ सकते हैं, तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा? तुम भी आश्चर्यवत बाबा का बनंती कथंती बागंती में आ गए, अपनी तकदीर को जैसे लकीर लगा दी। समय देख उनको लिखाना चाहिए, हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जग जाएं। गिरते हुए को बचाना तो अच्छा होता है ना? डूबने से किसको बचाया जाता है? तो आफरीन देते हैं, यह भी डूबने से बचाना है। ज्ञान की ही बातें हैं, लिखना चाहिए, तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा है तो डूब मरेंगे। तारु अर्थात तैरने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में रख दूसरों को बचाते हैं। कोई पूरा तारु नहीं होता तो खुद भी गुम हो जाता है। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो, ये कोई इंसल्ट नहीं है, तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को भी समझाया, फिर तुम कैसे डूबते हो? तुम प्रेम से लिखो, बहन जी तुम तो राजयोग सीख पार जाने वाली थी, अब तुम डूब रही हो। तरस पड़ता है तो बेचारे को बचावे, फिर कोई बचता है पर नहीं, यह तो हुई उनकी तकदीर।
दूसरी बात यह जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिखकर देते हैं कि यहाँ नरसे नारायण बनने का मार्ग बताया जाता है। यह राजयोग बहुत अच्छा है, बस लिखा बाहर निकला तो भूल गया। इसलिए जो लिखते हैं उनकी पीठ करनी चाहिए, तुमने यह ओपिनियन लिख कर दिया परंतु क्या किया, न अपना फायदा किया न दूसरों का। तो पहली मुख्य बात है, मात पिता की पहचान देनी है। इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई है, तो पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है, ये लिखाना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए पिछाड़े में लिखने से कोई फायदा नहीं। मुख्य बात है मात पिता का परिचय देना। अब समझा है तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ भी जैसे समझा ही नहीं। हड्डी समझा कर फिर लिखाना चाहिए, बरोबर ये जगत अम्बा जगत पिता है। वह लिख दे कि बरोबर बाप से वर्षा मिलता है। ये लिख दे तब समझो कि तुमने कुछ सर्विस की है। फिर अगर न आए तो चिट्ठी लिखनी है, बरोबर ये जगत अम्बा और जगत पिता हैं, तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते। अचानक काल खा जाएगा, मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी की, उससे मुश्किल कोई दो चार निकले तो फायदा क्या हुआ। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, आना छोड़ दे तो चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते थे, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया, प्रभु का तरफ छोड़ देते हो, यह तो तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। जो महावीर होगा वह झट संजीवनी बूटी देंगे, यह बेहोश हो गया। माया ने नाक से पकड़ लिया तो उनको बचावे कैसे। बाबा कहते हैं इतनी मेहनत करें तब कोटों में कोई निकले, जांच करनी पड़े कि यह सैपलिंग कैसा है। बच्चियां लिखती हैं कि हमारा गला घुट गया है, परंतु जास्ती बातों में ना जाओ, पहली मुख्य बात समझा कर लिखाओ, फिर और बात। एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाना है। निश्चय करते हो तुम्हारे माँ बाप हैं, इनसे वर्षा मिलना है। कोई कितना भी बूढ़ा हो, यह दो अक्षर तो सबको समझा सकते हैं ना। अगर ये दो अक्षर भी धारण नहीं होते तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि कहाँ किचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी जिसके तुम मालिक बनते हो। बाबा अति सहज कर समझाते हैं, अहिल्याएं कुब्जाएं कैसे भी हो वर्षा पा सकती हैं। सिर्फ श्रीमत पर चलें, देही अभिमानी बनना तो सहज है, किसको गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना। अकेला है तो बहुत सर्विस कर सकते हैं, कोई कोई को दे अभिमान रहता है, मोह की रग टूटती नहीं। देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, यह पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व मिटाना है, एक बाप को याद करना है, वर्षे को याद करना से रचयिता भी याद आ जाता है, कितनी अच्छी कमाई है। खुद भी करो और दूसरों को भी कराओ, माँ बाप बच्चों को लायक बना देते हैं। फिर बच्चे का काम है माँ बाप की संभाल करना।
फिर माँ बाप छूटे, यहाँ बहुत है जिनकी रग जाती है, कोई को अपना बच्चा नहीं तो धर्म के बच्चे में मोह जाता है, फिर वह पद पा नहीं सकेंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात यह समझानी है, जो निश्चय हो जाए कि बरोबर यह हमारा बाप है, इनसे राजयोग द्वारा 21 जन्म का वर्षा मिले। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। वहां विष्णु के दैवी संतान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अब तुम ईश्वरीय संतान को है। अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो तो तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे, परंतु खुशी अभी है। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे, तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु यहां से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल ही भुला देती है, तो समझो तकदीर में राजाई नहीं है। बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है जो कहां कहां थप्पड़ लगा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्खी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, मोह की सब रगे तोड़, इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल, सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। दूसरा है, अच्छा तैरने वाला बन, सबको पार लगाने की सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी है। वरदान, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख, सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार है, जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होंगे, उतना ये सर्व शक्तियां ऑर्डर में रहेंगे। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ऑर्डर से चलती हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर पर चलने वाली हों। जब यह सर्व शक्तियां अभी से ऑर्डर पर होंगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। स्लोगन, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निर अहंकारी बने। अनमोल ज्ञान रत्न, दादियों की पुरानी डायरी से, वास्तव में याद का रूप क्या है, पिता सम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। परमात्मा की याद में रहते हैं वह किस द्वारा दिखाई पड़ेगा, जैसे देखो बच्चा है, वह जब अपने पिता का फुटस्टेप ले खुद भी कार्य करने में तत्पर रहता है, वही पिता की याद का रूप है। क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमान बरदार देख बहुत हर्षित होता है कि यह मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है, जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। वैसे भी जो जो दैवी वत्स अपने दैवी मात पिता सम दिव्य कर्तव्य करने में तत्पर हैं, वही याद का ओरिजिनल स्वरूप है, जिस स्वस्वरूप में मात पिता स्थित रहते हैं उसी स्वस्वरूप में
बालक भी स्थित रहने से दोनों की तार आकर कनेक्ट होती है और पिता पास शीघ्र ही जाए पहुंचते हैं। पिता भी कहता है कि ऐसे वत्स मेरे से मिले ही पड़े हैं, अर्थात वह साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इस रीति अंतर्मुखता में रह साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।